हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि था आपका टाइम एंड वर्क। तो पिछली वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क डिस्कस किया था जो कि हमारा क्वांट का टॉपिक था। बट आज की वीडियो में मैं एक रीजनिंग का टॉपिक उठा रहा हूँ जो कि है डायरेक्शंस। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैं मिक्स करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे चल रहा हूँ कि आपका क्वांट भी साथ साथ कवर होता जाए और आपका रीजनिंग भी कवर हो। तो एक साथ क्वांट ना करके और एक साथ रीजनिंग ना करके थोड़ा सा मैं मिक्स करके वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये आपके आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि ये डायरेक्शन का जो टॉपिक है ये आपके फेज वन और फेज टू दोनों ही फेजेज में एग्जाम के ये टॉपिक जो डायरेक्शन है दोनों ही फेजेज में आप में पूछ लिया जाएगा रीजनिंग सेक्शन में, राइट। क्योंकि आपको पता है रीजनिंग सेक्शन जो है वो फेज वन में भी है और फेज टू में भी है। तो आरबीआई असिस्टेंट तो आपको पता ही है, इस बार काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस वैकेंसीज निकाली हैं, 926 वैकेंसीज निकाली हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे और हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते रहेंगे तो आई एम श्योर कि ये एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्शन डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी ऐसी बेनिफिशियल वीडियो जो हम लेके आते रहते हैं उससे आप वंचित ना रह जाएं या वो आपको आपके पास तक ना पहुंच पाए, ऐसी सिचुएशन ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहे, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में से। तो सबसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, मैं आपको इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी आपको कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। तो देखिए, इंटरेक्शन करना होगा, इंटरेक्ट करेंगे तभी हम कुछ नया सीखेंगे, राइट। तो इंटरेक्शन जरूरी है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, क्योंकि इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन जो है वो जरूरी होता है, वो आपको पता ही है। तो चलिए, अभी क्वेश्चन वन है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं डायरेक्शन के, क्योंकि ये जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो ये आपको डायरेक्शन का कोई भी सवाल आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्प करेंगे, राइट। तो एक तो आपका बेसिक जो आपको डायरेक्शन डायग्राम पता होना चाहिए, बेसिक डायरेक्शन डायग्राम। कि मान लीजिए अब इसमें एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं, एक जो स्टैंडर्ड डायग्राम हम बनाते हैं डायरेक्शन का, वो कैसा बनता है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, राइट, ये आपका साउथ डायरेक्शन होता है, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सी चीज है, वैसे तो ये सबको पता ही है, बट आपको ऐसा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नॉर्थ जो है, एक तो एरो का रोल है, एरो देखिए, एरो जो है ना ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एरो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपली आप कैसे याद रख सकते हैं कि अगर ये नॉर्थ है, या मान लीजिए आप नॉर्थ किसी और को भी ले सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, राइट। तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के हमेशा राइट में, देखिए नॉर्थ के जो राइट में होगा वो क्या होगा, वो होगा ईस्ट। ईस्ट के राइट में क्या होगा, ईस्ट के राइट में होगा साउथ, और साउथ के राइट में होगा वेस्ट, और वेस्ट के राइट में होगा नॉर्थ। ये स्टैंडर्ड रूल है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्थ जो होगा हमेशा उसके राइट में ईस्ट होगा, और ईस्ट के राइट में होगा साउथ, साउथ के राइट में होगा वेस्ट, और वेस्ट के राइट में होगा नॉर्थ। अब डायरेक्शन डायग्राम जरूरी नहीं है कि आप नॉर्थ हमेशा यहां पे ऊपर ही लें, ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट ये स्टैंडर्ड डायग्राम है इसलिए हम इसको ऐसा बना देते हैं। आप नॉर्थ को यहां भी ले सकते हैं, बट अगर आप नॉर्थ को यहां ले रहे हैं तो अगेन आपको यह ध्यान रखना है कि नॉर्थ के राइट में होगा ईस्ट, ईस्ट यहां होगा, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया ना नॉर्थ के हमेशा राइट में होगा ईस्ट। और सिमिलरली नॉर्थ के ऑपोजिट होता है साउथ, ये तो पता ही है, नॉर्थ साउथ ऑपोजिट होते हैं और ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो सिंपली आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्थ के राइट में है ईस्ट और ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, मतलब बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, क्लॉक ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उल्टी हो जाएगी। क्लॉक हमारी कैसे चलती है, अगर ये क्लॉक है तो क्लॉक में पहले थ्री, जो हमारी क्लॉक है वो सुई पहले थ्री पे आएगी, फिर सिक्स पे जाएगी, फिर नाइन पे जाएगी, फिर ट्वेल्व पे जाएगी, राइट।
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, तो ये आपको बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता भी होंगी, बट फिर भी आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। कई बार हम जल्दीबाजी में भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो हमें उस चीज का ध्यान हमेशा रखना है। तो ये तो हो गई हमारी चार बेसिक डायग्राम्स, अब कुछ एडिशनल ये चार बेसिक डायरेक्शंस हो गई हमारी, अब इनके बीच की डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इनके बीच में भी कुछ लाई कर रहा है ना, अब नॉर्थ और ईस्ट है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ है और ईस्ट है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ और ईस्ट को मिला दो तो बन गया नॉर्थ ईस्ट। अभी आप खुद ही बता सकते हैं ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई साउथ ईस्ट। सिमिलरली ये कौन सी हो गई, ये हो गई साउथ वेस्ट और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। अब आप खुद ही ये चीजें निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अब यहां पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी में एडिशनल बता देता हूं, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, आपको इसको लगेगा और अच्छे से समझ में आ गया। तो वो चीज क्या मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए नॉर्थ और ईस्ट जो है इनके बीच में 90 डिग्री है, दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही ईस्ट और साउथ इनके बीच में 90 डिग्री है, साउथ और वेस्ट इनके बीच में 90 डिग्री है, और नॉर्थ और वेस्ट इनके बीच में भी 90 डिग्री है। ये तो हमें पता चल रहा है आराम से, इजीली आप इसको देख पा रहे हैं, राइट। बट अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें, अगर मैं बात करूं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अगर इन दोनों की बात करूं मैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तो ये 45 डिग्री है। अगर आप देखें, वैसे तो इसके बीच का कोई भी एरिया होगा उसको हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ करूं तो ये 45 डिग्री बनता है, राइट। सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45, मतलब 90 का आधा कर दो तो ये 45 डिग्री बन जाएंगे। ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैंने आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझना होगा, तो मैंने आपको बोला था आपको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th, 7th, 8th में। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जो डायरेक्शंस के, हमारे सारे डायरेक्शन के जो भी क्वेश्चंस होंगे लगभग सब में ये कॉन्सेप्ट काम आ जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता भी होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रायंगल की बात नहीं होगी, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसका एक एंगल 90 हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट। तो उस एंगल में, अब ये इसका बेस है, ये इसका क्या है, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, हाइट कह लीजिए, ये हाइट है, ये बेस है, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो अगर मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो ए है, और इसकी लेंथ मान लीजिए बी है, और इसकी लेंथ मान लीजिए सी है, तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है, हमारी थ्योरम बोलती है कि जो सी है ये, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जो सी जो होगा हमारा वो कितना होगा, उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, उसकी मेजरमेंट होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि हाइट और बेस का स्क्वेयर करके उनको सम कर देंगे, और उसके बाद उसका अंडर रूट आप ले लेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूस की लेंथ मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पाइथागोरस थ्योरम का, ये आपको काफी यूज में आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको पता चलेगा ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारा डायरेक्शन का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 की। कहीं भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो जरूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई करेंगे हम आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर कला ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब एक मिस्टर कला है, तो अब उनकी इनिशियल पोजिशन आप मान लीजिए, ये उनकी इनिशियल पोजिशन है, ठीक है, ये मान लीजिए ओ है। अब वो 5 किलोमीटर वेस्ट में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन, बेसिक डायरेक्शन डायग्राम हमारा क्या बोलता था, अगर आप इसको एक बार को बना लें थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, तो बहुत से क्वेश्चन में तो आप स्टैंडर्ड डायग्राम ही यूज करेंगे, राइट। तो अब वो 5 किलोमीटर जो है, यानी ये 5 किलोमीटर जा रहे हैं वेस्ट में, तो ये तो ईस्ट हो गई, गलत हो गया ना, तो ध्यान रखना है आपको ये ईस्ट है, ये वेस्ट नहीं है। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो 5 किलोमीटर वो जा रहे हैं वेस्ट में, तो ये 5 किलोमीटर चले गए वेस्ट में। उसके बाद कह रहे हैं टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ रहे हैं। अब आप खुद देखिए, अगर मिस्टर कला जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो उनका राइट क्या होगा, उनका राइट होगा ये उनका राइट होगा और ये उनका लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो लेफ्ट मुड़ दीजिए, और लेफ्ट मुड़ के 3 किलोमीटर चलते हैं। लेफ्ट मुड़ गए,
लेफ्ट मुड़ के 3 किलोमीटर चलते हैं एंड देन ट्रेवल्स अनदर 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो देखिए अभी ऑलरेडी ये साउथ में ही जा रहे हैं, तो कह रहे हैं 3 तो चले गए, 5 किलोमीटर और जा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 किलोमीटर हो गया ना, ये टोटल 8 हो गया, तो 8 किलोमीटर चले गए साउथ में, क्योंकि 3 गए फिर 5 गए, 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ही देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 1 किलोमीटर टू रीच अ चर्च। अब कह रहे हैं ये राइट मुड़ गए, अब देखिए अब ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, इनका फेस साउथ की तरफ है, तो इनका राइट क्या होगा, अब ध्यान से देखिए यहां पे गलती कर जाते हैं कई बार हम लोग, तो उनका राइट तो होगा ये और उनका लेफ्ट होगा ये, सही बात है ना, राइट और लेफ्ट उल्टे हो जाएंगे ना, क्योंकि अब वो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इसमें आप अपने आप को खुद को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, या कई बार तो बच्चे क्या करते हैं इसको कॉपी को घुमा के भी आप इसको कर लेते हैं, हालांकि इतना वो आपको विजुअलाइजेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी को घुमा घुमा के करना भी कोई बहुत लॉजिकल चीज नहीं है, मतलब उसमें भी आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, बट अगर आप इनिशियली समझना चाह रहे हैं तो आप अपनी कॉपी को घुमा सकते हैं और फिर राइट लेफ्ट देख सकते हैं। तो ये साउथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, तो इनका राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाएगा, ये इनका राइट हो जाएगा और ये इनका लेफ्ट हो जाएगा, तो अब वो राइट मुड़ रहे हैं और 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो राइट मुड़ के 1 किलोमीटर गए और यहां पे जो 1 किलोमीटर गए और यहां पे जो पहुंच गए फाइनल पोजीशन पे, ये है चर्च, तो ये चर्च पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है हमें इनका डिस्टेंस निकालना है चर्च और इनिशियल पोजीशन के बीच में, कि इनकी इनिशियल पोजीशन और जो चर्च है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब आप बताइए इसको कैसे करेंगे, ये तो इनिशियल पोजीशन है और ये चर्च है, अभी इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपको ये पता लगाना है। अब क्वेश्चन देख के आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कैसे निकालें, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ भी नहीं पता, हमें ये वाली लेंथ भी नहीं पता कितनी कितनी है, तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउट होगा। तो यहीं पे जो है थोड़ी सी हमारी कॉमन सेंस या हमारी इंटेलिजेंस यहीं पे काम आती है कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसी में उलझे रह जाएंगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि देखिए हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम हमारा एक तो एक्यूरेसी जरूरी होती है कि आप कितने एक्यूरेट हैं, एक्यूरेसी एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए, और एग्जाम में चाहिए कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों चीजें चाहिए ना, तो आप कितने एफिशिएंट है कि आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, राइट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सोचेंगे कि अब यहां पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में आपने पढ़ा होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, उसको लगाने की कोशिश करें कि वो सोचें भाई ये कॉमन एंगल है और मतलब ये सेम एंगल है, सिमिलर एंगल, ये वाला एंगल 90 है तो ये भी एंगल सेम हो गया और ये भी एंगल, तो कई लोग इसको ट्रिपल ए जो प्रॉपर्टी होती है सिमिलैरिटी की उसको लगाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन इससे हो जाएगा बट टाइम ज्यादा लगेगा, और मैंने आपको अभी बताया कि हमें कम से कम टाइम लगाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर, अब इस क्वेश्चन को हम कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेंगे। कैसे लेंगे, अगर आप इस लाइन को ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दें और इसको यहां से ओ से ज्वाइन कर दें, तो आप देखेंगे आपको एक ट्रायंगल मिल गया है, इसको मैं, ये तो आपका ओ है, ये सी है, इसको मैं नाम दे देता हूं मान लीजिए ए, तो ये ओ ए सी आपका एक ट्रायंगल आ गया, ओ ए सी आपका एक ट्रायंगल आ गया। अब यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे, अब ये देखिए ये 5 किलोमीटर है, ये आपकी 8 किलोमीटर है, तो ये भी आपकी 8 किलोमीटर होगी क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, राइट, तो ये जो है ये अगेन 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप देखिए आपका जो ये बेस है, बेस क्या है ट्रायंगल का, एसी बेस है, बेस कितना हो गया 5 प्लस 1, ये 1 है ये 5 है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाता है 6 किलोमीटर, ये तो आपका हो गया बेस। और अगर मैं बात करूं हाइट की, हाइट है यहां पे OA और हाइट कितनी है 8 किलोमीटर, तो हमारे पास बेस है हमारे पास हाइट है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस जो है हमारी, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी, ओसी है ना, तो ओसी जो हाइपोटेन्यूस है, अब वो कैसे आप निकाल सकेंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बताया था ना, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं ना, तो बेस का स्क्वायर 6 स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर 8 स्क्वायर। अब इसको सिंपली आप कर सकते हैं ना, अब कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, आई डोंट थिंक अब कोई प्रॉब्लम होगी। तो ओसी क्या हो गया, अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ओसी जो है हमारी हाइपोटेन्यूस तो कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 100, और अंडर रूट ऑफ 100 तो कोई बच्चा भी बता देगा कितना होता है 10, तो 10 किलोमीटर हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, यानी कि चर्च और इनिशियल पोजीशन के बीच में
ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है 10 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना था कि हमें यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करनी है। आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी और लाइन को ऐसे पीछे एक्सटेंड करना था। अगर आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में थोड़ा सा घुस जाते तो थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता बट आपका टाइम वेस्ट हो जाता। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन में, राइट। तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा, कोई भी डाउट हो तो नीचे जरूर उसको पोस्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन टू। तो अब इस क्वेश्चन को रीड करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक क्लॉक है, अ क्लॉक इट इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट एट 12 o'clock इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। कह रहे हैं कि एक घड़ी है, तो एक घड़ी बना लो सबसे पहले, तो आप घड़ी का क्वेश्चन है तो घड़ी बना लो। ये घड़ी है, अब घड़ी में आपको सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखना, बस आप 12, 3, 9 और 6 अगर ये चार भी लिख लोगे ना तो बहुत होता है, पूरे पूरे नंबर लिखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती जनरली। तो ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, बस ये चार लिख लीजिए आप। तो ये चार हमारे घड़ी के टाइम्स हो गए। अब कह रहे हैं 12 बजे, इस घड़ी में जब 12 बज रहे हैं तो 12 बजे आपको पता है इसका मिनट हैंड भी 12 पे होगा और इसका आर एंड जो होगा, अब आर एंड जो है इसको चलो दूसरे कलर से बना देता हूं, तो ये जो आर एंड होगा छोटे वाला, ये भी जो है 12 पे ही पॉइंट करेगा ना ऑब्वियसली, 12 बजे तो दोनों ही 12 पे पॉइंट करेंगे। तो कह रहे हैं कि जब 12 बज रहे हैं तो इसका मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये कह रहे हैं ये जो है ना ये नॉर्थ ईस्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है इन विच डायरेक्शन डज इट आर एंड पॉइंट एट 1:30 PM। तो कह रहे हैं जब घड़ी में 1:30 बज रहे होंगे तब आप ये बताओ, जब घड़ी में इस घड़ी में 1:30 बजेंगे तो इस घड़ी का जो आर एंड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो देखिए घड़ी में तो आपको पता ही है, एक होता है आर एंड, राइट, और एक होता है मिनट एंड, ये तो सबको पता ही है, और एक होती है, वो सब घड़ियों में नहीं होती वैसे, सेकेंड्स की जो हमारी सुई होती है, जो सेकेंड का जो हैंड होता है जो हमारा बता रहा है कितने सेकंड्स हो गए, हालांकि वो हर घड़ी में नहीं होता और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती हमें क्वेश्चंस में, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, हमें आर एंड और मिनट हैंड इनकी ही जरूरत पड़ती है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक अपना जो है ना हमारा डायरेक्शन डायग्राम वो बना लो, सबसे पहले बेसिक डायरेक्शन डायग्राम बना लो, उससे क्वेश्चन आपको करने में आसान हो जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, एरो जरूरी है, एरो ध्यान रखना, पॉइंटिंग कहां कर रहे हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स आउटसाइड ना, तो नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो अब देखिए अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, तो अब हमें ये डायरेक्शन पता करनी है, ये पता करनी है, 6 पे कितनी है 9 पे कितनी है और इनके बीच की भी हमें पता होनी चाहिए, बीच की भी हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो अब देखिए अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखिए जो मैंने डायरेक्शन डायग्राम बनाया है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के जो 90 डिग्री राइट पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री राइट पे क्या है, साउथ ईस्ट। तो 90 डिग्री राइट पे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट के 90 डिग्री राइट पे साउथ वेस्ट है ना, और उसके 90 डिग्री राइट पे नॉर्थ वेस्ट है, ये सिंपल सी चीज आपको पता ही है। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो 90 डिग्री राइट यह होगा 3 पे, तो 3 पे क्या होगा, साउथ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री राइट पे साउथ ईस्ट आएगा। अब साउथ ईस्ट के 90 डिग्री राइट, अब इसका राइट क्या है, इसका राइट तो ये है ना, तो इसके राइट पे क्या है, साउथ वेस्ट, और इसके राइट पे 90 डिग्री राइट पे है नॉर्थ वेस्ट। ये हमें चार डायरेक्शन मिल गई, सिंपल सी। अब हमें बाकी डायरेक्शन भी हम सिमिलरली निकाल सकते हैं ना, तो बचवी, अब जैसे 12 और 3 के बीच में क्या होगा, देखिए इस बेसिक डायग्राम को देखिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में आता है ईस्ट, तो ये हो गया ईस्ट, सिंपल। ऐसे ही साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इसके बीच में क्या आएगा, साउथ, तो ये साउथ हो गया। ऐसे ही साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में क्या आएगा, वेस्ट आएगा, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो सिंपल से हमने अपना डायग्राम बना लिया, बेसिक डायग्राम बना लिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, तो अब एक और डायग्राम बना देता हूं इसी क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक और घड़ी बना लेते हैं, थोड़ा सा ये हौच-पौच ना होता कि, तो हमने ये डायरेक्शंस निकाल ली, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये थी हमारी साउथ ईस्ट, ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट, और इनके बीच की भी हमने निकाल ली थी, नॉर्थ वेस्ट, ये था हमारा साउथ और ये था हमारा ईस्ट, राइट। और ये कितने कितने थे, ये 12 था,
ये 3 था, ये 6 था और ये 9 था। अब घड़ी में बजाने हैं डेढ़, कितने बजाने हैं घड़ी में, घड़ी में बजाने हैं हमें डेढ़, कि डेढ़ बजे जो हमारी आर एंड है वो कहां पॉइंट कर रही होगी, हमें यही तो देखना है। तो देखो डेढ़ बजे क्या होता है, आपका जो मिनट हैंड होता है ना वो तो 6 पे होता है, जो बड़ी सुई होती है, बड़ी सुई होती है ना, बड़ी सुई छोटी सुई बोलते हैं, मिनट हैंड बड़ी सुई, आर एंड छोटी सुई, तो बड़ी सुई तो होगी 6 पे, यानी कि मिनट हैंड तो हो गया साउथ वेस्ट की तरफ, और आर एंड का होगा 12 और 3 के बीच में होगा ना, तो आर एंड आपका लगभग यहां हो जाएगा 12 और 3 के बीच में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका यहां पे जो आर एंड है, यानी कि जो छोटी सुई है, जो छोटी सुई है वो कहां है, छोटी सुई आपकी है ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, छोटी सुई कहां पॉइंट कर रही है, ईस्ट की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्ट, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि आपकी जो छोटी सुई है यहां पे वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी ईस्ट, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। तो अगर आपको बेसिक क्लॉक का फंडा पता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन पता है, और अगर आपको ये बेसिक डायग्राम पता है, अगर आपको ये थोड़ी बहुत चीजें पता है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता भी दी थी, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी ईस्ट। तो कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे जरूर उसको कमेंट करें, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। तो देखिए वीडियोस यहां पे जो मैं बना रहा हूं, पिछली वीडियो भी बनाई थी और ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूं, ये थोड़ी सी बड़ी होंगी, मतलब आधे घंटे के अराउंड होंगी, बट आपको ये वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी है। स्किप क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं 5, 4, 5, 6 क्वेश्चंस की, इसमें मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, मान लीजिए टाइम एंड वर्क है कि डायरेक्शन है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको 360 डिग्री से कवर करना चाहता हूं। मेरा पर्पस क्या होता है कि मैं 5-6 क्वेश्चन के थ्रू आपको उन सभी टाइप के क्वेश्चन से आपको मैं अवेयर करा दूं, या आपको उन सभी क्वेश्चन के बारे में बता दूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देखते भी होंगे, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं, एक तरह के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपको मैंने एक तरीके का क्वेश्चन बता दिया फिर तो आप उसकी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ना। तो मेरा यहां पर्पज होता है कि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के, उस सेम टॉपिक पे जितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं, ताकि फिर आपको ये पता रहे कि भाई इस टॉपिक में से इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, ताकि आप क्लियर रहे माइंड में, राइट। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। तो हमारा क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, हैरी पॉटर हिट द मैजिक बॉल दैट कैन चेंज डायरेक्शन ऑन इट्स ओन। अब ये पहली लाइन पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है तो हैरी पॉटर में गेम होता था क्विडिच, एक गेम होता था क्विडिच, उस गेम में क्या होता था, वो लोग झाड़ू पे उड़ रहे होते थे, हैरी पॉटर और उसके सभी दोस्त जो उस हॉगवार्ड स्कूल में पढ़ते थे, तो आपको पता होगा एक झाड़ू सी होती थी और उस झाड़ू पे बैठ के उड़ते थे, और उसके बाद उस उनके पास एक बॉल होती थी, वो उस बॉल को हिट करते थे, राइट, उस बॉल को उनको पकड़ना होता था, कुछ ऐसा गेम आपने देखा होगा हैरी पॉटर, अगर आपने देखी है तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हैरी पॉटर पे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हैरी पॉटर ने बॉल को हिट करा, मैजिक बॉल, तो आपको पता ही है पूरा मैजिकली था वो हैरी पॉटर, कुछ रियलिटी थोड़ा थी, सारा कुछ फैंटेसी वर्ल्ड था। तो ही हिट द मैजिक बॉल दैट कैन चेंज डायरेक्शन ऑन इट्स ओन, वो कह रहे हैं ऐसी बॉल है जो अपने आप डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो तो आपने मूवी में भी देखा होगा। इट ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए ये इनिशियल पोजिशन है ओ, मान लीजिए ये इनिशियल पोजिशन है ओ, अब कह रहे हैं इस बॉल को हिट करा, उसने ट्रेवल करा 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो बेसिक डायरेक्शन डायग्राम तो हमें पता ही है कौन सा होता है बेसिक, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये हमें सबको पता है। अब कह रहे हैं ये बॉल गई 5 किलोमीटर गई पहले ईस्ट में, तो ये ईस्ट है, ऊपर डायग्राम में देख लीजिए 5 किलोमीटर गई ईस्ट में, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गई और 20 किलोमीटर चली। अब लेफ्ट क्या होगा, ध्यान से देखो, अब यहां पे लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा इसके लिए ऊपर, ऊपर की तरफ इसके लिए वेस्ट होगा ना, अगर ये यहां पॉइंट कर रहा है, खुद देखिए राइट तो हो गया नीचे और लेफ्ट हो गया ऊपर, ये तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। तो 20 किलोमीटर ऊपर जाना है अब, राइट, तो अगर 20 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, 20 किलोमीटर गई लेफ्ट में, तो अब ये गई 20 किलोमीटर लेफ्ट में, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है जी। अब देन इट टर्न राइट
एंड ट्रेवल्ड 11 किलोमीटर। तो अब हमें राइट मुड़ना है, तो हम यहाँ पे जरा अपना डायरेक्शन डायग्राम को हटा देते हैं, अब तो आपको क्लियर है डायरेक्शन। तो कह रहे हैं ये राइट मुड़ गया और 11 किलोमीटर गया, तो राइट मुड़ के ये थोड़ा सा राइट गया है, तो राइट का मतलब यहाँ पे अभी फिर से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आप, तो राइट मुड़ के ये 11 किलोमीटर और गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एंड उसके बाद 5 किलोमीटर गया साउथ में, तो अब 5 किलोमीटर साउथ तो नीचे है ना, तो साउथ में ले जाओ 5 किलोमीटर, ये हमारा बन गया डायग्राम, ठीक है। अब कह रहे हैं उसके बाद फिर से 4 किलोमीटर गया ईस्ट में, फिर से ईस्ट में गया, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट तो इस तरफ है ना, तो 4 किलोमीटर गया ईस्ट में। तो डायग्राम का ध्यान रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो डायग्राम को ध्यान रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको ध्यान रखो हमेशा, ये नॉर्थ क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है, और ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तो अब देखो ईस्ट में गया 4 किलोमीटर, अब हमें करना क्या है, हमें बताना है कि हैरी पॉटर और बॉल के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हमें ये बताना है कि बॉल जो है वो कितनी दूर है हैरी पॉटर से, तो हैरी पॉटर तो यहाँ ओ पे है ना, और हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है, कि बॉल जो है वो हैरी पॉटर से, अगर हैरी पॉटर बॉल को देख रहे हैं या देख रहा है, तो वो बॉल किस डायरेक्शन में दिख रही है हैरी पॉटर को, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कुछ लेबलिंग भी कर सकते हो, जैसे कि इन पॉइंट्स की लेबलिंग कर सकते हो, मान लो ये इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए है, इसको आप कह दो पॉइंट बी है, ये हो गया पॉइंट सी, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको, ये पॉइंट डी और ये फाइनल पॉइंट जो है ई। हमें निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है, ओ और ई के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगेगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगी, पर उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि अब इसमें आप क्या करेंगे। अब जैसे ये आपको पता है ये पूरा का पूरा 20 है, ये पूरा का पूरा 20 है, और ये अगर 5 है, तो अगर आप इस डी को ज्वाइन कर दो यहाँ पे, अगर आप इस डी को ज्वाइन कर दो तो क्या होगा, ये 11 हो जाएगी क्योंकि ऊपर भी 11 है, पैरेलल है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, सेम होते हैं। और अगर ये 5 है, अगर ये 5 है, तो ये 5 हो गया, इस 20 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, 20 को डिवाइड कर रहा हूं, 5 ये हो गया, 15 नीचे हो गया। इसको आप ध्यान से देखो, मैंने किया क्या है, इस 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 5 और 15 में, ये ऊपर वाला हिस्सा तो 5 हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको एक नाम दे दो आप, इसको बोल दो एफ, इसको आप बोल दो एफ, ठीक है। तो अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ 20 को, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 और 15 में, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, अब थोड़ा आपको ये शायद इजी लगेगा, मेन होता है कि हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं, डायग्राम अगर हमने सही बनाया है तो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा आसान लगता है, राइट। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ओ और ई को ज्वाइन करना है। तो ओ और ई को ऐसे ज्वाइन करके तो डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली, तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हम यहाँ पे मदद लेंगे। तो अगेन आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके समझा देता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो हो सकता है आपको ये और क्लियर हो जाए। तो इसमें हम देखते हैं ये हुआ क्या था, सबसे पहले क्या हुआ था, ये गए थे ओ से ए के बीच में 5 किलोमीटर, तो ये ओ था, ये ए था, ठीक है। उसके बाद गए थे बी तक, तो बी तक गए थे, और बी तक गए थे कितना था, 20 किलोमीटर। फिर गए थे सी पे जो कि था 11 किलोमीटर दूर, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये गए थे डी पे, नीचे गए थे ना उसके बाद, तो उसके बाद गए थे नीचे, तो उसके बाद नीचे गए थे 5 किलोमीटर, और उसके बाद गए थे 4 किलोमीटर। तो ये हमने बनाया था, ये पॉइंट्स लिख लो आप, डी ये पॉइंट है ई, राइट, ये था 5, ये था 4, ये था 11। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसको एफ से ज्वाइन कर दो, तो ये अगर इसको आप एफ से ज्वाइन कर दोगे तो ये भी 11 और ये 5 और ये 15, ये मैंने आपको पिछले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में यही तो बताया है। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको ओ और ई के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो वो कौन सा डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ये जो ओ है इसको अगर आप ई से ज्वाइन कर दो तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको लगाने के लिए बोला, तो कैसे करोगे, अगर आप इसको, ये जो ओ है इसको अगर आप पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और इसको आप ई से मिला दो, तो आप देखोगे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो अगर आप इसको जी नाम दे दो, इस पॉइंट को अगर मैं जी नाम दे दूं, तो आप देखो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बन गया ना। तो अब उस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो उसका बेस जो है, बेस क्या है, बेस तो हो गया ओ जी, ये जो ओ ए है और ये जो ए जी है, अगर इसको ज्वाइन कर दो तो ओ जी हो गया ना। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें इसकी लेंथ कितनी हो गई,
भाई OA में प्लस करना है AG को, राइट। OA कितना है, OA है हमारा 5, वो हमें पता है, और AG जो है वो कितना होगा, देखो 11 तो ये है, 11 ये है और 4 ये है, तो 11 4 कितना होता है 15, क्योंकि AG जो होगा, ये जो हमारा AG होगा ये किसके इक्वल होगा, FE, ये जो F है और ये जो E है इसकी लेंथ भी तो AG की जितनी होगी ना, रेक्टेंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, तो 11 और 4 कितना होता है 15 होता है ना, तो ये 5 प्लस 15, तो हमारा ये जो बेस है OG जो बेस है ये कितना हो गया 20 हो गया, हमारा बेस कितना हो गया 20 किलोमीटर हो गया, तो हमारे पास बेस आ गया। अब हमें हाइट देखनी है, बेस तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं हाइट, तो हाइट क्या है, हाइट है इसकी EG, हाइट कितनी है, हाइट है इसकी EG, भाई ट्रायंगल हमारा क्या है, आप इसको देखें ना, राइट एंगल ट्रायंगल हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल EGO, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो बेस तो हो गया OG और हाइट क्या है, हाइट है इसकी EG, तो जो हाइट है विच इज इक्वल टू EG ये कितनी होगी, अब देखिए EG होगा इक्वल टू FA, रेक्टेंगल देखिए आप, कौन से रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं रेक्टेंगल FEGA, इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, तो EG जो है हमारा वो किसके इक्वल है, EG इज इक्वल टू FA, और हमें पता है FA की लेंथ कितनी है 15 है, तो हमारा जो EG है उसकी लेंथ भी कितनी होगी 15 होगी, राइट। तो हमारे पास बेस आ गया, हमारे पास हाइट आ गई, अब हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास अगर बेस है और हाइट है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो हमारी जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, OE है ना, तो OE जो है हमारा डिस्टेंस जो हमें निकालना है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस है OG तो OG का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है EG का स्क्वायर, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो OE जो है अब कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए, OG स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर और EG स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर, तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसमें, तो आओ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो OE जो है इट इज इक्वल टू 400 प्लस 225, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 625। अब आप खुद बताओ 625 का अंडर रूट क्या होता है, वो आप निकाल भी सकते हो, वैसे तो ओरली आपको पता होने चाहिए, कम से कम 40 तक या 30-40 तक आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, काफी हेल्प होती है आपको, फिर उसको निकालना नहीं पड़ता। तो OE जो होगा वो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, राइट। तो हमें डिस्टेंस तो पता चल गया कि 25 है, यानी कि या तो आंसर होगा ए या फिर आंसर होगा बी, बट हमें अब देखना है कि भाई डायरेक्शन क्या है। तो क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन बोल रही है हाउ फार इज द बॉल फ्रॉम हैरी पॉटर एंड इन विच डायरेक्शन, हमें बताना है कि बॉल कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो दूरी तो हमने बता दी, डायरेक्शन बतानी है। अगर आप अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आप इसकी दूरी भी बता, उसकी डायरेक्शन बता पाओगे। यहां पे मैं आपको एक बार फिर से डायरेक्शन डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक बार इसका डायरेक्शन डायग्राम हम देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो डायरेक्शन डायग्राम कैसा था हमारा, बना के देखते हैं फिर से। तो ये था हमारा डायरेक्शन डायग्राम, ये थी हमारी नॉर्थ, ये था हमारा साउथ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट, ये था ना हमारा डायग्राम। अब हमें बताना है कि जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में है, हैरी पॉटर से किस डायरेक्शन में है। तो हैरी पॉटर तो यहां पे है और बॉल आपकी ई पे है, तो इसको अगर आप ऐसे बनाए, ये ओ है और बॉल आपकी ई पे है, तो बॉल इस डायरेक्शन में है। अब एरो को देखिए कौन सी डायरेक्शन में है, अगर आप इसको देखो कि कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, ध्यान से देखो आप कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो बॉल जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो बॉल 25 किलोमीटर दूर है और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है बॉल की नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आप बोलो साउथ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट लगभग ऐसे ही तो है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, बट यहां पे बॉल की डायरेक्शन पूछी है, हैरी पॉटर की डायरेक्शन नहीं पूछी है। तो आपको यह देखना है कि किसकी डायरेक्शन किसके कंटेक्स्ट में पूछी जा रही है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि आप बताओ हैरी पॉटर
किस डायरेक्शन में है बॉल से, तब आप बोलते कि साउथ वेस्ट में है हैरी पॉटर। बट आपसे पूछा है बॉल किस डायरेक्शन में है, इसलिए आपका आंसर यहां पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, राइट। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 25 किलोमीटर एंड नॉर्थ ईस्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, मैंने काफी डिटेल में इस क्वेश्चन को आपको समझाया है, जो कि जनरली आपको कोई नहीं समझाता। तो अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर इससे आप डाउट मुझसे पूछें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, और उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अलग अलग एग्जाम्स की शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट होता है, वो इस ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो इस ग्रुप पे हम रियल टाइम आपके डाउट सॉल्व करते हैं, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल ग्रुप है ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि टीचर्स पढ़ा के चले जाते हैं बट डाउट्स क्लियर नहीं करते, जबकि डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये ग्रुप काफी बेनिफिशियल है, इसको आप ज्वाइन करें। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो लिंक है, ग्रुप का जो लिंक है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे आप क्लिक करके इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन फोर कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अभी तक मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। एक तो मैं आपको क्लॉक का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, ध्यान रखिए कौन से कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। क्लॉक का कर लिया, बेसिक डायरेक्शन डायग्राम का हमने कर लिया कॉन्सेप्ट, राइट। और कौन सा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा है इसके अलावा। अब हम एक ये नया डिस्कस करने वाले हैं, सन वाला। हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट कि सन की, सन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा हमने पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे हैं अभी तक, ये चार कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना आप। क्लॉक वाला, बेसिक डायरेक्शन डायग्राम वाला, सन वाला भी हम करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम। तो अब सन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, सबको पता ही है। एक सिंपल सी लाइन होती है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि जो सूरज है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिप जाता है ना। पूर्व में सन उगता है, पश्चिम में छिपता है, सबको पता है। बट एक चीज जो शायद आपको ना पता हो वो ये है कि अगर सन ईस्ट में है, अब ये सन है और एक है शेडो, देखो दो चीजें हैं। अगर सन जो है वो ईस्ट में है तो शेडो कहां बनेगी, शेडो बनेगी वेस्ट में, सिंपल सी बात है ना। शेडो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है ना, शेडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। सन ईस्ट में है तो शेडो बनेगी वेस्ट में, सन वेस्ट में है तो शेडो बनेगी ईस्ट में। ये सिंपल सी दो चीजें आपको याद रखनी है। अब सन ईस्ट में कब होता है, ईस्ट में होता है वो मॉर्निंग में, और वेस्ट में कब होता है, वेस्ट में होता है इवनिंग में। सिंपल सी चीज है, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई हो, वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि सन अगर ईस्ट में है, मॉर्निंग में होता है ना ईस्ट में, तो शेडो बनेगी वेस्ट में, और सन अगर वेस्ट में है तो शेडो बनेगी ईस्ट में। तो ये मॉर्निंग का मतलब क्या है यहाँ पे, मॉर्निंग का मतलब है जब दोपहर के 12 बज जाते हैं ना, 12 लून, उससे पहले पहले तो मॉर्निंग है, और 12 लून के बाद क्या है, 12 लून के बाद इवनिंग है, सिंपल सी बात है। 12 लून से पहले तो मॉर्निंग है और 12 लून के बाद क्या है, इवनिंग है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सन वाला। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो सन के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, पिछले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब पहले भी पूछा गया है कि जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट की मदद होती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये वाले क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वन मॉर्निंग, अब देखो टाइम बता दिया मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो आपको छूटते ही, मॉर्निंग सुनते ही आपको पता चल गया कि भाई सन कहां होगा, मॉर्निंग है ना तो सन तो होगा ईस्ट में, और शेडो कहां बनेगी, शेडो बनेगी वेस्ट में, क्वेश्चन सुनते ही पता चल गया। तो वन मॉर्निंग रवि ऑब्जर्व दैट हिज शेडो इज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट, टू हिज राइट, सॉरी। तो कह रहे हैं शेडो जो है ना उसके राइट में बन गई, तो राइट में बनी है और टाइम है मॉर्निंग का, तो उसका राइट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब उसका जो राइट है ना वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, हमें बताना है वो फेस किस तरफ कर रहा है। अब यहां पे आप जल्दी से बेसिक डायरेक्शन डायग्राम बना लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है जी। अब कह रहे हैं उसकी शेडो जो है वो बनी है राइट में, और राइट हमें पता है अगर शेडो कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है इसलिए शेडो बनेगी वेस्ट में।
तो ये वेस्ट है, यहां पे बनी है शेडो, और सन यहां पे है क्योंकि ये ईस्ट है और टाइम है मॉर्निंग का। अब कह रहे हैं ये जो उसकी शेडो बनी है, जो वेस्ट में बनी है, ये है लेफ्ट, ये उसकी लेफ्ट है, जो रवि है उसका लेफ्ट ये है और रवि का राइट ये है। तो रवि का राइट तो ये है, रवि का लेफ्ट ये है। अब आप खुद देखिए कि रवि जो है वो किस तरफ फेस कर रहा होगा, आप मुझे खुद बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई जल्दी नहीं है। अगर उसकी, यहां पे मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया ना शायद, हाँ, उसकी शेडो बनी है राइट में, आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक छोटी मोटी अगर आप एग्जाम में ऐसी नहीं करनी है, तो शेडो है उसकी राइट में, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, ध्यान से देखो, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अब आप खुद देखो वो किस तरफ फेस कर रहा होगा। अब अगर वो किसी के लिए, अब देखो अगर कोई बंदा नॉर्थ में फेस कर रहा होता है, अगर कोई बंदा नॉर्थ में फेस कर रहा होता है तो उसका राइट ये होता है और उसका लेफ्ट ये होता है। ये सिंपल सी चीज आपको पता होगी, आप खुद भी इसको विजुलाइज करो, आप खड़े हो जाओ और आप देखो आपका राइट इस तरफ होगा, आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, इसका मतलब क्या है, आप नॉर्थ में फेस कर रहे हो, सिंपल। बट हमें पता है कि उसकी जो शैडो बन रही है वो राइट में बन रही है, यानी कि उसकी शैडो यहां बन रही है राइट में, और उसकी जो लेफ्ट साइड है, ये जो साइड है वो यहां पे, अब क्या है यहां पे, सन है। तो आपको इसको ढंग से समझते हैं, अगर आपको थोड़ा इसमें डाउट आ रहा है तो मैं इसको आपको और इजीली समझा देता हूं। आपको ये बेसिक टेबल समझ में आ गई होगी, ये मुझे क्लियर है जो मैंने आपको डायरेक्शन की, ये शैडो की टेबल बताई थी। अब इसको आप फिर से समझो, मैं इसको आपको और इजीली समझा देता हूं। अब देखो मैं, हम कहते हैं ये रवि है, आप ये मान लीजिए ये रवि है, और रवि जो है वो इधर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, हमें नहीं पता कि ये डायरेक्शन कौन सी है, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, हमें इतना पता है रवि यहां फेस कर रहा है, और हमें ये भी पता है ये रवि का राइट है, ये रवि का लेफ्ट है, राइट, क्योंकि अगर रवि इधर फेस कर रहा है तो ये राइट है ये लेफ्ट है, और हमें पता है उसकी शेडो यहां बन रही है, तो शेडो यहां बन रही है राइट में और सन है उसका लेफ्ट में, और हमें पता है टाइम है मॉर्निंग का, हमें पता है टाइम मॉर्निंग का है, ये तो हमें पता है। तो मॉर्निंग में सन कहां होगा, सन तो होगा ईस्ट में, अभी मैंने आपको बताया था ना, मॉर्निंग में सन होगा ईस्ट में, और ये शेडो जहां बन रही है ये होगी वेस्ट, तो हमें पता है, ये हमें पक्का पता चल गया ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये हमें पक्का पता चल गया कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, हमें ये डायरेक्शन देखनी है और हमें ये डायरेक्शन देखनी है। तो अगर आप अपना बेसिक डायरेक्शन डायग्राम बना लो जल्दी से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट राइट, तो हमें पता है कि ईस्ट के राइट में साउथ होता है, ऐसे नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, या मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट और ईस्ट के राइट में होता है साउथ, ऐसे तो चलती है साइकिल। तो अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट का राइट क्या होगा, ईस्ट का राइट ये होगा, तो ये होनी चाहिए साउथ और ये होनी चाहिए नॉर्थ। अब ध्यान से देखो, क्योंकि अगर ये देखो नीचे वाली अगर नॉर्थ है, अब ध्यान से देखो, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के राइट में अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो राइट आ जाएगा ना नॉर्थ का, तो नॉर्थ का जो राइट है वो होता है ईस्ट और ईस्ट का जो राइट है वो होता है साउथ। तो रवि जो है वो किस तरफ फेस कर रहा है, रवि साउथ की तरफ फेस कर रहा है, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब रवि जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें इतना पता लगाना था कि उसकी जो शेडो है वो बन रही है वेस्ट में और जो सन है वो है राइट ईस्ट में, ये तो हमें पता ही था। तो हमारे पास ईस्ट आ गया था, हमारे पास वेस्ट आ गया था, फिर तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, फिर तो हमें पता है कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो बेसिक डायरेक्शन डायग्राम को देख के आप पता लगा सकते हैं राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, एक मैन है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन डायग्राम बना लेते हैं, ये क्वेश्चन उसके थ्रू ही हो पाएगा ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूं मैं, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। अब कह रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है आपका, तो नॉर्थ वेस्ट ही है। अब अगर वो यहां पे फेस कर रहा है,
अब क्या हुआ, 90 डिग्री मुड़ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉक कैसे मुड़ती है, क्लॉक इधर मुड़ेगी और 90 डिग्री मतलब इतना, नॉर्थ वेस्ट से वो पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से पहुंच गया वो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, 90 डिग्री मूव कर गया। अब उसके बाद 180 डिग्री मुड़ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में, अब उल्टा चलना है, अभी तो 90 गया था यहां तक गया था, अब कह रहे हैं 180 डिग्री मुड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो 180 डिग्री कितना हो गया, 90 तो यही हो गया, और 90 और कर दो तो मतलब वो पहुंच गया साउथ वेस्ट में, कहां पहुंच गया, साउथ वेस्ट में पहुंच गया, राइट। उसके बाद क्या है, फिर से 90 डिग्री मुड़ रहा है सेम डायरेक्शन में, सेम मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की बात हुई थी ना पहले, तो जब वो 180 मुड़ गया उसके बाद कह रहे हैं 90 और मुड़ गया, तो 90 मुड़ के वो कहां पहुंच गया, साउथ ईस्ट में पहुंच गया ना, 90 मुड़ के वो कहां पहुंच गया, फाइनली साउथ ईस्ट में। तो हमें बताना है फाइनली वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, साउथ ईस्ट होगा ना, ऑप्शन डी साउथ ईस्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही सिंपल था, अगर आप ये बेसिक डायग्राम बना लोगे तो सिंपल था। आपको अगर एंगल की नॉलेज है, एंगल का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन वन में कि ये 90 डिग्री होता है कंप्लीट, राइट। और अगर इन दोनों इनकी भी बात करेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इन वाली डायरेक्शंस की बात करेंगे तो इनके बीच में भी 90 है, राइट। तो ये अगर आपको बेसिक सा फंडा पता था तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, तो इसका सही आंसर है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो अब बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन में, तो ये है हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं। द सुवर्णा रिवर, एक रिवर है सुवर्णा रेखा रिवर, वो बहती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट में बह रही है वो, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है ना, ये हमारा नॉर्थ है, कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है ना, तो वेस्ट से ईस्ट में बह रही है। उसके बाद क्या है, एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट, अब कह रहे हैं वो लेफ्ट मुड़ जाती है। तो अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर वो यहां पे पॉइंट कर रही है रिवर, तो उसका राइट होगा नीचे और उसका लेफ्ट होगा ऊपर, ये तो सिंपल है, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, तो अब इसको लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट मतलब ऊपर मुड़ना है, तो ये ऊपर मुड़ गई एंड गोज इन अ क्वार्टर सर्कल। अब कह रही है क्वार्टर सर्कल मुड़ी है, तो ये होता है पूरा सर्कल, ये होता है सेमी सर्कल, और क्वार्टर मतलब इतना है ना, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल मुड़ गई, बस इतना, लेफ्ट मुड़ के क्वार्टर सर्कल मुड़ गई, राइट। एक शिव टेम्पल है उसके अराउंड गई क्वार्टर सर्कल, यहां पे कोई टेम्पल होगा, ठीक है ना, एंड देन टर्न्स लेफ्ट इन राइट एंगल, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गई। अब देखो यहां पॉइंट कर रही है, तो फिर से इसका लेफ्ट ऊपर ही होगा ना, लेफ्ट तो इसका ऊपर होगा, और 90 डिग्री मुड़ी है, 90 डिग्री मुड़ी है मतलब इतना, 90 डिग्री है ना, अगर देखो सीधा जाती, अगर सीधा जाती, हमें आप यहां पे ध्यान से देखिए कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूं, अगर ये रिवर सीधा जाती तो होता 0 डिग्री, अगर इतना जाती ये होता 45 डिग्री, 90 डिग्री इतना हो गया, ऐसी अगर 135 डिग्री मुड़ती तो यहां पे जाती, और अगर 180 डिग्री मुड़ती तो उल्टा चलने लग जाती, मतलब वेस्ट की तरफ चलने लग जाती, राइट। तो ये 90 डिग्री मुड़ी है इसलिए ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि रिवर किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको तो पता ही है, सिंपल हमने डायरेक्शन डायग्राम से देखा था ना भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आई थी और ऊपर जा रही है मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये जा रही है ऑप्शन ए नॉर्थ की तरफ, आप डायग्राम को देख लीजिए, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना था कि क्वार्टर सर्कल कितना होता है और डिग्री 90 डिग्री मुड़ रही है लेफ्ट में, मतलब 90 आपको एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए थी, तो अगर रिवर ऐसे जा रही है सीधी तो 90 डिग्री इतना होगा, 45 डिग्री इसका हाफ होता है, 135 इस तरफ हो जाता है, तो ये सिंपल आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो हमने आज की वीडियो में मैंने आपसे 6 क्वेश्चन, कुल 6 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और इन 6 क्वेश्चन में मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिए, मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है रीजनिंग जो है वो आपके फेज वन फेज टू दोनों में आती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी क्लियर रही होगी, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछें, एंगेजमेंट मैंने आपको बताया, आपको जो भी डाउट हो आप जरूर पूछें, ताकि इंटरेक्शन हो और आप अपने और क्वेरी को सॉर्ट आउट कर पाए, आपको और कोई वीडियो देखनी हो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी, अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें,
एंड हमारे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आने वाली और भी वीडियोस का फायदा उठा पाएं. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्टे ट्यून टू आवर चैनल. हैव अ नाइस डे.